नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी हां दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा से जुड़ी, भर्तियों से जुड़ी हर अपडेट यहां सबसे पहले देखने को मिलती है। तो सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी अपडेट है, इंतजार है खत्म हो चुका है। 3 भर्तियों की विज्ञप्ति है बोर्ड ने जारी कर दी है। जी हां साथियों, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं कि जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं कि बोर्ड ने दी बड़ी खुशखबरी, 3 भर्तियों को लेकर इंतजार खत्म हो चुका है और आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। ये कौन कौन सी भर्ती है, कितने पदों पर निकली है, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे, लास्ट तक देखें ताकि आपको नई भर्तियों की विज्ञप्ति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही भर्तियों से जुड़ी अपडेट सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्या पूरी अपडेट। और जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सिविल जजों के 222 पदों पर ये भर्ती की जा रही है। राजस्थान हाई कोर्ट ने सिविल न्यायाधीश सीधी भर्ती का प्रतियोगी परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 3 सालों के खाली पदों को मिलाकर 222 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में 2022 में 83 और 2023 के 57 और 2024 के 82 पदों को मिलाया गया। और जी हां साथियों, आपको बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 8 मई तक आवेदन लिए जाएंगे और बिना देरी के इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और वहीं तीसरी भर्ती की बात करें तो दोस्तों देखिए, इसमें है तीसरी भर्ती है आरपीएफ के अंदर SIF कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन है जो आज से शुरू हो चुके हैं। रेल मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। रेल मंत्रालय की ओर से रेलवे सुरक्षा विशेष बल में कांस्टेबल और निरीक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती का अधिसूचना है जो रविवार को जारी कर दी है। और इसमें पदों की बात करें तो 4660 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। इस भर्ती में बिना देरी के आप आवेदन कर सकते हैं और 15 अप्रैल से आवेदन शुरू हो चुके हैं। चुनाव आयोग की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हरी झंडी मिली है और मेडिकल ऑफिसर डेंटल के 172 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। और ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 22 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि की बात करें तो 21 मई, लगभग 1 महीना आवेदन चलेंगे। जी हां दोस्तों, इस 3 भर्तियों के अंदर आप बिना देरी के आवेदन कर सकते हैं और जानकारी अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही भर्तियों से जुड़ी अपडेट सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती है। तो जय हिंद, जय भारत।